हेलो, क्या दिवाली से पॉल्यूशन होता है? बिल्कुल होता है, मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन सवाल यह है कि कितना होता है? क्या इतना होता है कि साल भर के सोए हुए एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट अचानक दिवाली से कुछ हफ्ते पहले जागते हैं और उसके बाद एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, पोलर आइस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं और दिवाली खत्म होते ही वापस सब सो जाते हैं? आइए कुछ साइंस और फैक्ट्स की बातें करते हैं। दिवाली पर होने वाले पॉल्यूशन पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक 2018 में कैलिफोर्निया बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल जर्नल प्लॉस में छपी थी। धनंजय घई, जो कि एक रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा में, और रेणुका साने, जो कि रिसर्चर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इंडिया में, इन लोगों का ये ज्वाइंट रिसर्च था। इन्होंने 2013 से लेकर 2017 तक का दिल्ली का आर्ली पॉल्यूशन डाटा स्टडी किया, और ये डाटा इन्होंने दो जगह से लिया था, पहला सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा यूएस एम्बेसी। इस स्टडी में इन्होंने पाया कि दिवाली में कुल मिलाकर करीब 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 जनरेट होता है, जिसको कि पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की वैल्यू कम है, लेकिन ये ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि दूसरे कारणों की वजह से PM2.5 का लेवल दिवाली की रात को ज्यादा होता है। आप ये देखिए कि दिवाली आने में अभी टाइम है, फिर भी दिल्ली का PM2.5 का लेवल इस समय 400 के आसपास है। दिवाली के दिन होता यह है कि इस 400 में करीब 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 दिवाली अपनी तरफ से जोड़ देती है, जिसका असर जो है 2-3 दिन तक रहता है। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि दिवाली की रात को जो पॉल्यूशन होता है उसमें पटाखों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% के आसपास होता है। बाकी जो पॉल्यूशन है, बाकी जो 2.5 पीएम जो है, वो उन्हीं कारणों से जनरेट होता है जिन कारणों से साल भर दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। एक और चीज जो इस स्टडी में सामने आई, जिसको बीबीसी ने भी अपने आर्टिकल में कोट किया था, वो ये कि पटाखों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसका असर सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहता है, उसके बाद PM2.5 लेवल या फिर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो वापस अपने प्री दिवाली बेसलाइन लेवल पर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर इस स्टडी की समरी ये है कि दिवाली की वजह से पॉल्यूशन होता है ऑफ कोर्स, लेकिन इस पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम होता है। इनफैक्ट दिवाली वाली रात भी जो टोटल पॉल्यूशन होता है उसमें पटाखों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% होता है, बाकी बचा हुआ 80 से 85% पॉल्यूशन या फिर PM2.5 लेवल उन्हीं कारणों से जनरेट होता है जिन कारणों से दिल्ली में साल भर पॉल्यूशन रहता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी दिवाली की वजह से जो 15 से 20% पॉल्यूशन इंक्रीज होता है उसका असर 2 या 3 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाता है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप दिवाली के सिर्फ 2 दिनों में ही सांस लेते हैं, बाकी बचे हुए साल में आप सांस नहीं लेते? जरूर लेते हैं। तो फिर क्यों ना हम साल भर के पॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि ये जो PM2.5 है या बाकी गैसेस हैं ये तो साल भर जनरेट होती हैं। इनफैक्ट दिवाली अपने एक सीजन में कुल मिलाकर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 जनरेट करती है, जबकि दिल्ली का पर डे का एवरेज ही 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अगर आप इसको साल भर में फैला के देखें तो एक साल भर में जितना पॉल्यूशन होता है या जितना PM2.5 लेवल जनरेट होता है, दिवाली उसका सिर्फ 0.07% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, सिर्फ 0.07%। उसके बावजूद जितने भी ये Page 3 एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनका 99% एफर्ट जो है वो सिर्फ दिवाली के पीछे रहता है। बाकी बचे हुए जो कारण हैं, जो कि कुल मिलाकर 99.93% पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, उनके बारे में आप किसी को बात करते हुए नहीं देखेंगे। तो ये जो बचे हुए 99.93% कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आईआईटी कानपुर की स्टडी है 2016 की, उन्होंने दिल्ली पॉल्यूशन के कारणों पर अपना रिसर्च किया है। तो उन्होंने ये पाया कि दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन होता है साल भर, उसका 38% इज बिकॉज ऑफ रोड डस्ट। पर आपने कभी सुना है किसी एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट को, किसी ऑथर को, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को, किसी फिल्म एक्टर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी ऑथर को कभी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हुए कि आप रोड डस्ट के बारे में क्या कर रहे हैं? आपने नहीं सुना होगा। दूसरा कारण है वहीकुलर इमिशन, जो कि 20% पॉल्यूशन जनरेट करता है साल भर का। आपने अगेन नहीं सुना होगा इन लोगों को जो है वहीकुलर इमिशंस के ऊपर सरकारों से सवाल उठाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए या अवेयरनेस फैलाते हुए।
इसके बाद आता है डोमेस्टिक इमिशंस, जैसे कि कुकिंग वगैरह, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 12% है। इंडस्ट्रियल इमिशन का कंट्रीब्यूशन 11% है। कंक्रीट बैचिंग का कंट्रीब्यूशन 6% है। तो ये जो चार पांच चीजें ही हैं, ये साल भर पैदा होने वाले पॉल्यूशन का 90% कारण तो यही है। लेकिन कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट जो कि इनके ऊपर बात करे, ऐसा आपको करते हुए कोई नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पीछे पड़ते हुए लोग दिखाई देंगे, क्योंकि उससे आईबॉल्स मिलती हैं, उससे आपका वो क्वेश्चन बढ़ जाता है, उससे आपके फॉलोअर बढ़ते हैं, और ये बड़ा कैची सा इशू है। और जो हमारा यूथ है वो भी आपके पीछे पीछे लग जाता है, और दिवाली के अगेंस्ट बोलकर उनको भी फील होता है कि हाँ भाई, हमने एनवायरमेंट के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो जो मैंने अभी आपको कारण गिनाए आईआईटी कानपुर की स्टडी में जिनको कोट किया गया था, 90% केसेस में दिल्ली पॉल्यूशन के कॉजेस यही हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मी में होता यह है कि ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो हवा के साथ ये पॉल्यूटेंट ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाकर फिर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो नुकसान हमारा ही है उस केस में भी। और विंटर्स में एक फिनोमिनन होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। जो नीचे सतह की हवा होती है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, और ऊपर की जो हवा है वो थोड़ी सी गर्म रहती है। तो इस वजह से जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो नीचे ही ट्रैप हो जाते हैं, जिसको स्मॉग कहा जाता है, जो हम सांस के सारे अपने फेफड़ों में लेते हैं और हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, पॉल्यूशन के कारण यही है जो मैंने आपको बताया, जो आईआईटी की कानपुर की स्टडी में भी सामने आए हैं। गर्मियों में हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स हमें दिखते नहीं है, सर्दियों में स्मॉग की वजह से हमें दिख जाते हैं, इसलिए हमें यह ज्यादा बॉदर करता है। तो इस बायस्ड एक्टिविज्म के नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि लोगों में मैसेज जाता है कि ये सब दिवाली के पीछे जो आप पढ़े हो, इसका मकसद वाकई एनवायरमेंट नहीं है। अगर आप एनवायरमेंट के लिए चिंता करते तो आप अपना फोकस उन कारणों के पीछे लगाते जो कि मेजॉरिटी पॉल्यूशन के जिम्मेवार हैं, लेकिन आपका ध्यान जाता है सिर्फ दिवाली पे, जो कि साल भर पैदा होने वाले पॉल्यूशन में सिर्फ 0.07% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो लोगों के दिमाग में मैसेज जाता है कि आपका इंटरेस्ट पॉल्यूशन नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को टारगेट करना है, जैसा कि आप बाकी फेस्टिवल्स में भी करते हैं। आप होली को भी टारगेट करते हैं, करवा चौथ को भी, रक्षाबंधन को भी, शिवरात्रि को भी, नवरात्रि को भी। तो जब लोगों को ये बात पता चलती है कि उनके कल्चर को, उनके फेस्टिवल्स को अनफेयरली टारगेट किया जाता है, तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर है। तो इस वजह से वे लोग जो पहले पटाखे नहीं फोड़ते थे वो भी फोड़ने लगे, और फोड़ के फोटो खींच के आपको दिखाते भी हैं सोशल मीडिया पर डाल के, ये देख लो आपने लॉज बना दिया कि भाई पटाखे नहीं फोड़ सकते, लोग उसको भी डिफाई करते हैं, क्योंकि लोग ये बात मानते हैं कि आपका मकसद एनवायरमेंट अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ फेस्टिवल को टारगेट करना है, जो कि है भी, यही चीज आप करते हो। बिकॉज मुद्दे आप वही उठाओगे जो कैची हैं, जिनसे आपको आईबॉल्स मिलेंगे, जिनसे आपको अवार्ड्स मिलेंगे, जिनसे आपका वो क्वेश्चन बढ़ेगा, जिनसे यूथ की नजर में आप बड़े एक्टिविस्ट बन के निकलोगे। बट अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग आपको पहचानेंगे नहीं, लोगों को बात समझ में आने लगी है। तो आप वाकई कुछ एनवायरमेंट के लिए करना चाहते हो तो प्लीज रियल इश्यूज उठाओ। जब आप रियल इश्यूज उठाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और शायद आगे आने वाले टाइम में लोग दिवाली पर पटाखे फोड़ने भी कम कर दें। थैंक यू।